तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग बंधे पर दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को थाना तिवारीपुर में वादिनी ने अपने लड़के सोनू को इरशाद इरफान सद्दाम पुत्र असफाक उर्फ आफाक निवासी इलाहीबाग बंधा थाना तिवारीपुर गोरखपुर द्वारा गाली गुप्ता देने मारपीट के संबंध में नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया था तथा अपने घायल लड़के को मौके से ही 108 नंबर के एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल गोरखपुर में दवा इलाज हेतु भर्ती कराई थी, जहां इलाज के दौरान उसके पुत्र सोनू की मौत हो गई, जिसके पश्चात पहले से पंजीकृत धारा में बदलाव कर विवेचना उप निरीक्षक विनोद कुमार को सुपुर्द की गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तिवारीपुर पुलिस ने नामजद अभियुक्त इरशाद और सद्दाम को डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह ने कहा। आसमा खातून पत्नीलाल मोहम्मद निवासी इलाहीबाग थाना तिवारीपुर प्रवस्थित प्राप्त कर दिया कि मेरे बेटे सोनू जिसकी उम्र 23 वर्ष है उसको इरशाद सद्दाम और इरफान ने मिलकर मारा पीटा है और जिसको इलाज हेतु मौके से ही अस्पताल में भर्ती कराई हूँ। इस सूचना पर थाने पर NCR नंबर 84/1 धारा 323-504 पंजीकृत किया गया था। इलाज के दौरान ही सोनू की अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी सूचना आसमा खातून द्वारा थाने पर दाखिल की गई तो उस NCR को तर्जीम करते हुए धारा 304 ITC की बढ़ोतरी की गई। इरशाद और सद्दाम की गिरफ्तारी की जा चुकी है, इरफान की तलाश जारी है।